एवरीवन जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज बहुत दिनों बाद मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यार, कुछ है नहीं था पास, इस वजह से व्लॉग स्टार्ट फिर मैं कैसे करता। अच्छा, आपको बोर तो करना नहीं होता। और बाकी आज का सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रिज देखने के लिए। हमने ना नई फ्रिज लेनी है, जो हमारी पहले वाली फ्रिज है वो ना खराब हुई हुई है। उसके नीचे वाला जो खाना ना उसके अंदर ना गैस जमा नहीं होती, तो फिर चीज़ें वगैरह खराब हो जाती हैं। इस वजह से ना नई फ्रिज देखने के लिए जा रहे हैं। आज देख कर आते हैं क्या रेट चल रहा है, उसकी पसंद आ गई तो ले भी लेंगे। माशाल्लाह चलते हैं नीचे। ये देखिए, ये हमारी पहले वाली फ्रिज है। ये वैसे भी ना ये जरा बहुत देर हो गई है लिए हुए, और ये नीचे वाला खाना इसका खराब है। अभी भी थोड़ा सा पानी गिरा होगा। ये देखिए, यहाँ पानी ना गिरता रहता है, ये खाना सारा खराब है। बाकी चलते हैं माशाल्लाह नीचे और फ्रिज अभी देख लाते हैं। क्या बात है सर, गाड़ी माशाल्लाह निकाल ली है बाहर। आप लोग पापा को बहुत मिस कर रहे थे, तो पापा आ गए। पापा ना किसी काम के लिए गए हुए थे कराची, तो देखे माशाल्लाह पापा आ गए हैं। पापा जी आपको बहुत मिस कर रहे थे ये। हाँ जी, पापा साहब सही लश पश होकर बैठे हुए हैं कार में। बड़े आज बहुत सोने लग रहे हो, की गल है जी। अब चलते हैं। अभी माशाल्लाह पेट्रोल पंप बनाया है, यहाँ से ना ये टैंकी फुल करवाने लगी है कार की। हाय हाय, क्योंकि बहुत देर बाद निकाली है ना, तो टैंक फुल करवाते हैं जी। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद ना हम आए हुए हैं वर्कशॉप की साइड। यहाँ से ना अपना ना ये जो एसी है ना वो ठीक करवाना था। एसी है ना जो सही तरीके से चल नहीं रहा, अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर रहा, बस हवा ही आ रही है, कूलिंग नहीं हो रही गाड़ी में, तो वो ठीक करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ। पापा जी की होया है अच्छा, चलो जी टाइम लगेगा ये है चलो ठीक। अभी हम लोग ना फ्रिज देखने के लिए ना ये ई मार्ट पर आए हैं। ये देखिए यार कितनी बड़ी मार्केट है, अंदर चलते हैं और फ्रिज वगैरह के देखते हैं। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा ना फ्रिज लगी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट ना ब्रांड की है, लेकिन इस टाइम जो ओरिएंट ब्रांड है ना वो सबसे ऊपर जा रहा है फ्रिज में। बहुत ही कमाल की फ्रिज लगी हुई है, रेडमी इनके बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अच्छी लगती है तो फिर माशाल्लाह ले लेंगे। ओए जी क्या बात है जी, क्या बात है जी, फ्रिज है बड़ी है, स्पेस इसमें बहुत ज्यादा है। ये है भी बड़े वाली है ना भाई, ये तो सारे ब्रांड लगे हैं। ये 18 मिनट में बर्फ का कोला तैयार देगी, जापानी कंप्रेसर, ओरिएंट वारंटी लाइफ टाइम, हफ्ते बाद महीने बाद रबड़ लाई धोती साफ की फिर ला ली, छोड़ो स्पेयर पार्ट लाया। अबे साले ओदा टापा शीशे दा टूट गया, क्रैक हो गई, एना लाया हमको सिखा रही है। बहुत बड़ी बड़ी फ्रिज पड़ी हुई है, ये देखिए कितनी बड़ी फ्रिज है। ये देखें जी, यहाँ कितनी बड़ी फ्रिज लगी हुई है। फ्रिज वगैरह देख कर ना आ गए, रेट वगैरह पता चल गया। अभी यहाँ आए हुए हैं लोड शॉपिंग सेंटर पे। यहाँ से दादी को कुछ समान लेकर देना, समान लेकर देते हैं दादी का। डन हो गया जी, अभी घर चलते हैं। A few moments later. तो यार घर वाले को ना घर छोड़ दिया, अपने घर में आ गए हैं माशाल्लाह। तो अभी कार में बैठ करना, मैं और पापा जा रहे हैं एसी ठीक करवाने के लिए कार का। गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा है इसीलिए ना ठीक, तो अभी माशाल्लाह चलते हैं गाड़ी में बैठ कर। चले पापा जी, चलो जी। तो यार अभी एक मार्केट में आए हैं, मार्केट के अंदर एक गली गली में आए हैं। यहाँ से ना जो चाबी के साथ लॉक लगा जिससे कार अनलॉक और लॉक होती है, उसके अंदर से सेल खत्म हो गई है, तो वो ढूंढने के लिए आए हुए हैं मैं और पापा दूसरी तरफ। चलो फिर, तो पापा रिमोट का सेल लेने के लिए गए हुए हैं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। चोर बहुत अलर्ट है आजकल, इस वजह से मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। गाड़ी खुली थी, लॉक नहीं थी गाड़ी, इस वजह से गाड़ी के पास ही हूँ मैं।
कोई पता नहीं चोरा करता, आपको पता है पाकिस्तान के चोर भी बहुत इंटेलिजेंट है। गाड़ी ना इस तरफ ले आए है, ये सामने है ना दुकान है वहां अंदर, तो वहां से ना रिमोट के साथ लगाते हैं, चल दिया फिर ए सी ठीक करवाने के लिए। और देखिए वो दुकान में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ सामने गाड़ी का ध्यान रख रहा हूँ, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, वो आपको नजर आ रही होगी। ये पहले रिमोट नहीं था चलता, देखिए अब ठीक करवाया, साइड लगवाए हैं तो चलने लग पड़ा। ये देखो लॉक भी हो गया, लॉक खुल भी गया। चले बाबा जी चलें जी, रिमोट वाला काम तो डन हो गया, अभी चलते हैं एसी ठीक करवाने के लिए, बस यही काम रह गया, फिर उसके बाद घर चलते हैं। तकरीबन बाहर अंधेरा होने वाला है, चलते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो मैं ठीक रहनी है गड्डिया बैठने का सफर करने का भी ना दिल करता है, ऐसे तो जब ए खुले हुआ तो एक प्राइवेट फीलिंग नहीं आती। चलो कोई नहीं, अब ठीक करवाते हैं, तकरीबन 20 से 30 मिनट लगेंगे, कोई नहीं कहते हैं ठीक। अंधेरा भी फुल हो गया है, वैसे आपको कैमरे में ना नजर आया है थोड़ा दिन, कोई नहीं ठीक करवाते हैं। अब नहीं यार गाड़ी में क्या चेक कर रहे हैं, अभी मैं तो यहाँ आगे कुर्सी में बैठ गया हूँ आराम से, पापा वहाँ ना गाड़ी ठीक करवा रहे हैं, गाड़ी का एसी तो बस ठीक करवाना है, बाकी फिर घर चलते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, भी पापा आ गया माशाल्लाह घर है। आप जो मेरा कमेंट कर रहे थे कि आपके पापा जो गए हुए हैं, पापा को ब्लॉग में लाओ, तो यार पापा ना किसी काम से ना कराची की तरफ गए हुए थे, टाइम वहाँ लग गया था, तो कोई नहीं अभी पापा आ गए माशाल्लाह, पापा आ गए हैं तो गाड़ी भी निकल रही है। कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, आप लोग बेल आइकन के बटन को ना ऑल पे सेट कर देता है कि आगे से कोई भी लोग ना मिस ना हो सके, बहुत मज़ेदार भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि रोड के ऊपर ना भी लोग आने का मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि यार रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी की आवाज़ टी 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 ये बड़ा मसला होता है। देखिए अभी भी कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, गाड़ी की आवाज़ बस, यार क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्पोर्ट दिखाओ यार। देखा भी आपने पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता। तो फाइनली जी सारा काम वगैरह हो गया, रिमोट के सेल भी लगवा ली है और एसी भी ठीक करवा लिया, एसी की ना गैस लीक हो गई हुई थी। पापा को पता है, पापा क्या हुआ था, वो ना छोटा जहा चला गया सी, वो लीक सी, ते हुन माशाल्लाह एसी कर रहे हैं, ठंड लगा था, तो ठंड ऐसी लग रही है एसी लगा के, तो एसी भी ठीक हो गया, अभी घर की तरफ माशाल्लाह चलते हैं, सफर का भी मजा आएगा। हां जी मजा आ रहा है, ऐसे सीट पीछे करके लेटने का, चलते अब माशाल्लाह घर, काम वगैरह फारिग हो गया। और बाकी जी मैं थोड़े भी लोगों को यही प्लान करता हूँ, घर में आ गया हूँ, गाड़ी भी अंदर करवा दी है मैंने, और फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ चैनल को सपोर्ट दिखाओ।